स्टूडेंट वेलकम टू द चैनल अपग्रेड वोकैबुलरी विद अंशु। और आज है 8 मई और 8 मई के जितने भी हमारे वोकैब होंगे उन सभी को मैं कवर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो आज का जो टॉपिक है वो है एक्सप्रेस व्यू, यूएस फीड एंड ईसीबी रेज इंटरेस्ट रेट बट द रेट हाइक साइकिल मे बी ड्रॉइंग टू अ क्लोज। तो ये आज का हमारा आर्टिकल है और इनसे जितने भी वोकैब बनेंगे उन सभी को कवर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो हमारा पहला जो वर्ड है वो है हाइक। हाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, बढ़ोतरी या बढ़ना, इंक्रीज होना, रेज होना, अपसर्ज होना, सर्ज होना, एस्केलेशन, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ड्रॉ टू ए क्लोज। ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, समाप्त होना, टू कम टू एन एंड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बेसिस पॉइंट। ये एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, 100 बेसिस पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं एज अ 1%। जो हमारा 100 बेसिस पॉइंट होता है वो इक्वल टू होता है 1% के। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ब्रिंग डाउन। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, कम करना, डिक्रीज करना, रिड्यूस करना, लेसन करना, डिमिनिश करना, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, मुद्रास्फीति, प्राइस में इंक्रीज होना, राइज इन प्राइस, कॉस्ट एस्केलेशन, सर्जिंग प्राइस, वो हमारा क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है इनलाइन विथ। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, के अनुसार, इन अलाइनमेंट और अकॉर्डेंस विथ, के अनुसार होना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है लाइकली, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, संभावित या पॉसिबल, ओके, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबल, पॉसिबल, प्लॉसिबल, एक्सपेक्टेड, एंटिसिपेटेड, ये सारे क्या है, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमारा है पॉज। पॉज एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, ठहरा, ब्रेक, हॉल्ट, स्टॉप, इंटरप्शन, इंटरमिशन, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एंटिसिपेट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, पूर्वानुमान करना या अनुमान लगाना, एक्सपेक्ट करना, फोरसी, प्रिडिक्ट करना, एनविसेज करना, अवेट, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड देख लेते हैं वो है फार्मिंग। फार्मिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, मजबूती, स्ट्रेंथिंग, कंसोलिडेटिंग, सोलिडिफाइंग, स्टेबलाइजिंग, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, ढांचा, फ्रेम करना या ढांचा करना, ढांचा में बदलना या उसका ढांचा बनाना, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना, वो हमारा क्या होता है, फ्रेमिंग, स्ट्रक्चरिंग, शेपिंग, फॉर्मुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड देख लेते हैं वो है टेम्पर्ड। टेम्पर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, नियंत्रित किया हुआ, किसी चीज़ को एडजस्ट करना, किसी चीज़ को क्या करना, उसे नियंत्रित करके रखना, कंट्रोल करना, वो हमारा क्या होता है, टेम्पर्ड, मॉडिफाइड, एडजस्टेड, टोन्ड डाउन, मॉडरेट, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पॉइंट टूवर्ड्स। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, संकेत करना, किसी की ओर पॉइंट करना, तो वो हमारा क्या होता है, संकेत करना, इंडिकेट करना, सजेस्ट करना, सिग्नल देना या इम्प्लाई करना, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है कॉशियस। कॉशियस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, सतर्क। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में OUS लगा तो वो हमारा क्या हो जाता है, एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन की क्वालिटी को बताए। और नाउन क्या होता है, नाउन एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। तो केयरफुल, प्रूडेंट, सर्कमस्पेक्ट, विजिलेंट, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है टेक इनटू कंसिडरेशन। ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, विचार में लाना, ध्यान में रखना, कंसिडर, टेक इनटू अकाउंट, टेक नोट ऑफ, बियर इन माइंड, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड देख लेते वो है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, संचयी, मीन्स कि सब कुछ को इकट्ठा करके रखना, इकट्ठा करना, सबको कंबाइन कर लेना, वो हमारा क्या होता है, क्यूमुलेटिव, कंबाइंड, एग्रीग्रेट, टोटल, कलेक्टिव, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो इकोनॉमिक, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, आर्थिक, फाइनेंशियल, मॉनेटरी, फिस्कल, कमर्शियल, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा मॉनेटरी पॉलिसी, जो RBI के अंडर है, तो वो हमारे क्या होती है, जो भी हमारे इन्फ्लेशन होते हैं या फिर जितने भी CRR होते हैं, SLR होते हैं या फिर रेपो रेट हो गए, इन सब की जो जितने भी हमारे फाइनेंस से रिलेटेड टर्म होते हैं उन सब
की जो कैलकुलेशन होती है, उन सबको जो स्टैंडर्ड बनाते हैं वो कौन बनाती है? मॉनेटरी पॉलिसी, ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, आरबीआई की जो पॉलिसी होती है मॉनेटरी पॉलिसी, उनके थ्रू ये डिसाइड होता है कि हमारी सीएलआर कितनी होगी, जिसे हम कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, एसएलआर किसे कितनी होगी, जिसे हम सैचुरेटरी लिक्विड रेशियो बोलते हैं। तो ये सारे क्या हैं, आरबीआई गवर्न करती है, ओके। और आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो जिसे हम बैंकों का बैंक भी बोलते हैं। तो ये थोड़े जीके के भी कुछ टर्म हो गए। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है मॉडरेट। ये एक वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसका मीनिंग क्या होता है, कम करना, लेसन करना, रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, डिमिनिस करना, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एलिवेटेड। एलिवेटेड पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग क्या होता है, बढ़ा हुआ, रेज्ड, हाई, हाइटेंड, अपलिफ्टेड, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा देख लेते हुए वो है वोलेटाइल। वोलेटाइल पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग क्या होता है, परिवर्तनशील, अनस्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल, चेंजेबल, वेरिएबल, जो क्या होता है वो तुरंत तुरंत चेंज होता है, वो हमारा क्या होता है, वोलेटाइल। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है परहैप्स। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग क्या होता है, शायद, मे बी, पॉसिबली, कंसीवेबली, पोटेंशियली, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फॉलो सूट। ये एक फ्रेज है, जिसका मीनिंग क्या होता है, दूसरे का अनुसरण करना, मीन्स कि दूसरे की कॉपी करना, इमिटेट करना, कॉपी करना, इम्यूलेट करना, मिरर, रेप्लिकेट, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा देख लेते वो है एक्नॉलेज, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है, जिसका मीनिंग क्या होता है, स्वीकार करना, ओके, स्वीकार करना, रिकॉग्नाइज करना, एडमिट करना, एक्सेप्ट करना, कंसीड करना, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हैव अ लॉन्ग वे टू गो। ये एक फ्रेज है, जिसका मीनिंग क्या होता है, जिसका मीनिंग होता है, अभी लंबा रास्ता तय करना है, मच मोर टू डू, फार फ्रॉम कंप्लीशन, अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस नीडेड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डिप्रेस। ये एक वर्ब है, जिसका मीनिंग क्या होता है, दबाना, लोअर करना, रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, सप्रेस करना, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है वे डाउन। वे डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मीनिंग क्या होता है, बोझ डालना, किसी पे बोझ डालना, ओके, वो हमारा क्या होता है, वे डाउन, बर्डन, ओप्रेस, एनकम्बर, होल्ड बैक, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड देख लेते हैं वो है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है, जिसका मीनिंग क्या होता है, अनुमान लगाना, एस्टिमेट करना, फोरकास्ट करना, प्रिडिक्शन, एक्सपेक्टेशन, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अ कंपनी। अ कंपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है, जिसका मीनिंग क्या होता है, साथ आना, गो विथ, कम विथ, अटेंड, ज्वाइन, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मीडियन। मीडियन एक एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसका मीनिंग क्या होता है, मध्य, मीडियम, और मीडियन से आप कोरिलेट कर सकते हैं, मिडिल, मिड पॉइंट, सेंट्रल, इंटरमीडिएट, हाफ वे, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड देख लेते हैं वो है सॉफ्टनिंग। ये एक नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसका मीनिंग क्या होता है, सुस्ती, किसी को सॉफ्ट करना, किसी को धीमा करना, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। वीकनिंग, लेसनिंग, ईजिंग, स्लैकनिंग, डिमिनिशिंग, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा देख लेते वो है ले ऑफ्स। ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, जिसका मीनिंग क्या होता है, छटनी। आपने अभी जितने भी बहुत बार न्यूज में सुना होगा कि ले ऑफ, बहुत सारी आईटी कंपनी जो है, अमेजॉन, गूगल, ये ले ऑफ कर रही है, मीन्स कि ये क्या कर रही है, उन सबको जॉब से निकाल रही है, मीन्स कि उन सबको जॉब ले रही है, उन सबको जॉब से कट कर रही है। तो ये हमारा क्या होता है, ले ऑफ होता है। डिसमिसल, जॉब कट, वर्क फोर्स रिडक्शंस, रिडंडेंसी, टर्मिनेशन, तो ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एडमिट। इसके साथ जो प्रीपोजिशन लगेगा वो लगेगा टू, और ये एक वर्ब है, जिसका मीनिंग क्या होता है, स्वीकार करना, एडमिट टू, एक्नॉलेज करना, कन्फेस करना, कंसीड करना, एक्सेप्ट करना, रिकॉग्नाइज करना, तो ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डाउन साइड रिस्क। ये एक नाउन है, जिसका मीनिंग क्या होता है, खतरा, पोटेंशियल लॉस, हैजार्ड, डेंजर, थ्रेट, वल्नरेबिलिटी, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रिसेशन। रिसेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है, जिसका मीनिंग क्या होता है, मंदी, इकोनॉमिक डाउन टर्न, स्लम्प, डिक्लाइन, कॉन्ट्रैक्शन, डिप्रेशन, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, रिसेशन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है
रूल आउट, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, खारिज करना, एक्सक्लूड करना, एलिमिनेट करना, डिमिनिश करना, डिमिस करना, रिजेक्ट करना, डिसरिगार्ड करना, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है माइल्ड। माइल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, हल्का करना, किसी को धीमा करना, मॉडरेट करना, जेंटल, लाइट करना, सॉफ्ट करना, टेम्परेट करना, ये सारे क्या है, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है कंसर्न, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, चिंता, वरी, एंजाइटी, एप्रिहेंशन, अनईज, डिस्क्विट, ये सारे क्या है, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड देख लेते हैं वो है परसिस्ट। परसिस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, दृढ़ रहना, कंटिन्यू, एंड्योर, रिमेन, लास्ट, प्रिवेल, ये सारे क्या है, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड देख लेते हैं वो है प्राइस, प्रेशर, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, कीमतों का दबाव, कॉस्ट, स्ट्रेन, इन्फ्लेशनरी फोर्स, अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइस। नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमारा वो होता है स्टबर्नली, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, हठपूर्वक या कड़ाई से, प्रसिस्टेंटली, टीनेसियसली, ऑब्स्टिनेटली, अनयील्डिंगली, रिजोल्यूटली, तो ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड देख लेते हैं वो है ऑप्ट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, चुनना, चूज, सेलेक्ट, डिसाइड, इलेक्ट, पिक, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है डाउनटर्न, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, मंदी, डिक्रीज, डिक्लाइन, रिडक्शन, स्लम्प, ड्रॉप, तो ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कोई कमेंट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, ताकि मैं उस पर इम्प्रूव कर सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।